मुख्यमंत्री जी, उसके कारण स्कूल्स का बिल्डिंग बनाना और उधर टीचर्स आपके काम करना ये भी सुविधा नहीं होता, इसीलिए ट्राइबल एरियाज में आपको स्कूल जल्दी से पहुंचता नहीं है, स्कूल आता है तो भी टीचर्स पहुंचते नहीं है और सड़क ना होने के कारण आने जाने भी मुश्किल भी होता है। दूसरा एक और दिक्कत एम होती है, घर में सस्टेनेबल मतलब हर महीने पक्का इतना इनकम हमें आमदनी मिलेगा ऐसे आपके मन में एश्योरेंस अगर नहीं है तो ऐसा प्रोजेक्ट ट्राइबल इलाके के लिए ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा केंद्र सरकार उस लोन को केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक दोनों इकट्ठा पैसा डाल करके इतना बड़ा प्रोजेक्ट त्रिपुरा के लिए मैं अभी आपके सामने घोषणा कर रही हूं। आज दो क्लियर कर चुकी हूं, ये वाला भी एक सप्ताह दस दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। त्रिपुरा में जहां भी छोटे छोटे कस्बे भी छोटे छोटे हैबिटेशन भी उन तक सभी फैसिलिटी पहुंचना है, इसीलिए ये सब कार्यक्रम आज शुरू। पिछले तीन साल चार साल से कम हुआ, इसीलिए आज उन सबका उद्घाटन होने का हालात में हम पहुंचे। त्रिपुरा के मैं एक तरह बोल सकती हूं तो चरित्र में एक ही दिन जनता के उपलब्धि के लिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स, जिसमें पावर प्रोजेक्ट हो जिससे क्वालिटी पावर 24/7 पूरे दिन पूरे रात को कुछ कटौती ना हो, ऐसे अच्छा पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक 132 किलोवाट का पावर सबस्टेशन। दूसरा, आप लोगों को पूरे मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर घर के लिए जल पहुंचना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जब स्वच्छता अभियान शुरू किया उनके मन में हम जैसे बहनों के याद है, माता के याद है और उनके कष्ट को समझ करके घर की महिला हो दूर तक जाना नहीं चाहिए लकड़ी ले आने के लिए, इसलिए गैस घर तक पहुंचना है, इसके लिए उज्ज्वला स्कीम ले आए, घर तक हर घर तक आपको सिलेंडर पहुंचाया, आपको ये मालूम है। आप सब मुझे सुनने के लिए कम से कम इतना दुख में वेट किए, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और धन्यवाद भी कहती हूँ। जय त्रिपुरा, भारत माता की जय। नाउ इनॉग्रेशन ऑफ रुपीज 20 करोड़।